क्योंकि वो विशाल को एक खुश मिजाज इंसान समझती थी। उसके लिए विशाल की दोस्ती किसी खास मुकाम तक नहीं पहुंची थी। संजीवनी ने विशाल को सिर्फ एक अच्छे दोस्त का दर्जा दे रखा था। उसने विशाल के लिए कभी वो सब महसूस नहीं किया था जो विशाल उसके लिए महसूस करने लगा था। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर विशाल का दिल टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि इस बार उससे क्या गलती हो गई। अब वो अपने उसी सवाल पर आकर खड़ा था कि मन का सुख कैसे प्राप्त किया जाए। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो कैसे उसके प्यार को हासिल किया जाए। संजीवनी के मना कर देने के बाद विशाल संजीवनी से कतराने लगा। पहले जो संजीवनी उसे अपने स्टाफ में सबसे अच्छी दोस्त लगती थी, अब वो उसी से दूर दूर रहने की कोशिश करने लगा था। विशाल तनाव में था। संजीवनी की ना उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इस तनाव का असर उसके काम पर भी पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में खिन्नता बढ़ने लगी, जिससे वो घर वालों के साथ भी चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगा। सब चीजों से परेशान होकर फिर एक बार उसने अपने इष्ट भगवान बुद्ध को याद किया। हे भगवान, आपके बताए हुए ज्ञान से मेरे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। मैंने बहुत प्रयास किया कि उस सकारात्मकता को अपने भीतर हमेशा बनाए रख सकूं, परंतु चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं हो पाई और मैं सब कुछ वैसा नहीं रख सका जैसा मैं रखना चाहता था। मैं दुखी हो चुका हूं। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब ना मेरी मनचाही नौकरी मुझे सुकून दे पा रही है और ना मेरे साथ वाले लोग, मेरे अपने, मेरे घर वाले मुझे खुशी दे पा रहे। मैं बहुत उलझन में हूं। आप ही बताएं मैं क्या करूं। विशाल की परेशानी देख भगवान बुद्ध फिर मुस्कुराए और विशाल को समझाने लगे। किस किस से सुख प्राप्ति की उम्मीद करोगे पुत्र? तुम अपने मन में किसी के लिए क्या भाव रखते हो, ये तुम्हारे वश में हो सकता है, परंतु सामने वाला तुम्हारे लिए क्या भाव रखता है ये तुम्हारे वश में कैसे हो सकता है भला? तुमने संजीवनी से प्रेम किया, ये तुम्हारी भावना थी, मगर जरूरी नहीं कि तुम्हारी भावनाओं के बदले तुम्हें भी संजीवनी से प्रेम मिले ही। हर कोई अपने भावों को लेकर स्वतंत्र है, फिर तुम्हारा भाव किसी दूसरे के भावों पर निर्भर कैसे कर सकता है? अगर हम सोने के एक टुकड़े को बहुत सारे लोहों के टुकड़ों के बीच में दबाकर रखते हैं तो क्या वो मात्र इसीलिए अपनी चमक खो देगा कि आसपास वाले लोहे के टुकड़े उसे देखकर नहीं चमक रहे? नहीं, वो तो चमकता ही है, क्योंकि यही सोने का वास्तविक स्वभाव है। इसी तरह हमें भी अपने मन के भावों पर स्थिर रहना चाहिए, फिर चाहे सामने वाला हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारा मूल स्वभाव उसके व्यवहार के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। आपकी एक एक बात सत्य है भगवान, मगर उसे अपने व्यवहार में शामिल कैसे करूं? यदि सामने वाला हमें गाली देता है, भला बुरा कहता है, तो उसे सुनकर गुस्सा तो आएगा ही ना। हम पलट कर भले उसे गाली ना दे, मगर गुस्सा आने से कैसे रोक सकते हैं? कितनी बार विशाल की मनोस्थिति जैसी हमारी स्थिति भी होती है, जब हम खुद को दुख नहीं देना चाहते मगर फिर भी किसी अपने के व्यवहार से दुखी हो जाते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये जानेंगे बुद्ध ज्ञान की इस बाइट के अगले एपिसोड में। जब तक तुम अपनी खुशियां दूसरों के स्वभाव में, दूसरों की प्रतिक्रियाओं में तलाशोगे, तब तक तुम्हें दुख मिलना स्वाभाविक है। सामने वाला तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता जब तक तुम उसे ग्रहण न कर लो। किसी के अपशब्द सुनकर तुम्हें क्रोध केवल तब आएगा जब तुमको यह मालूम है कि वो अपशब्द तुम्हारे लिए हैं। तुमने उन अपशब्दों को सुना, यानी अपने कानों के द्वारा उनको ग्रहण कर लिया। और जब भी कोई नकारात्मक चीज हमारे अंदर जाती है तो हमारे मन में विकार उत्पन्न करती है। यदि तुम इन विकारों से बचना चाहते हो तो ऐसे नकारात्मक भावों को ग्रहण करना बंद कर दो। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है या तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारे विचार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी क्रियाएं ही हो सकती हैं। यही परम सत्य है। इस एक सत्य को समझ लेने मात्र से तुम्हारे मन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आपका कहना सत्य है, परंतु सबसे पहले मेरे मन में संजीवनी के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। यदि मेरे मन में प्रेम का भाव ही नहीं आता तो शायद मैं संजीवनी से अपने प्रेम का इजहार भी ना करता। तब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह चलता रहता और मैं भी खुश रहता। इस तरह देखा जाए तो विकार मेरे ही मन में उत्पन्न हुआ ना, और उसी के फलस्वरूप मुझे दुख भी मिला। तुम अब तक ना तो विकार का सही अर्थ समझे हो और ना ही प्रेम का। प्रेम तो एक विशुद्ध भाव है, उसे कभी विकार में शामिल नहीं किया जा सकता। हम किसी भी इंसान से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने भाव व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।
परंतु प्रेम इस बात की स्वतंत्रता कभी नहीं देता कि हम जबरदस्ती करके सामने वाले से भी प्रेम हासिल कर सकें। तुम्हारे मन में संजीवनी को लेकर जो भाव आए वो प्रेम नहीं, आसक्ति यानी अटैचमेंट था। आसक्ति हमें बंधन की तरफ ले जाती है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता की तरफ। आसक्ति हमें अनंत बार मारती है, बल्कि प्रेम हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर तुम सच में आसक्ति और प्रेम के इस अंतर को समझना चाहते हो तो अपने मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखो। धीरे धीरे भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर तुम्हारी आसक्ति स्वयं ही समाप्त होने लगेगी। तब तुम खुद की खोज कर पाओगे और खुद को पूर्णतः पहचानने के बाद तुम्हारे सारे विकार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। शायद आप सच कह रहे हैं भगवान, मेरे दुख का अभी यही एक उपाय है। मुझे संसार से दूर होकर सिर्फ अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मगर संसार से दूर होने का तरीका तो सिर्फ वैराग्य है। तो क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए? क्या बिना संन्यास के वैराग्य संभव है? संन्यास ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग अवश्य है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि बिना संन्यास लिए तुम खुद को ईश्वर से ना जोड़ सको। इस संसार का हर एक प्राणी उसी ईश्वर का अंश है। ऐसा भाव रखते हुए जब तुम खुद को देखोगे तो तुम्हें अपने भीतर भी एक अलौकिक ज्योति का आभास होगा। आसक्ति को खत्म करने के लिए वैराग्य जरूरी है। वैराग्य अपनाओ, मगर विकारों से, संसार से नहीं। जितनी ऊर्जा दूसरों को समझने में, दूसरों को खुश करने में और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगाते हो, उतनी ऊर्जा अपने अंतर में झांकने, अपने आप को समझने और अपने अंश को उस परम शक्ति से जोड़ने में लगाओगे तो तुम्हारा हृदय अभूतपूर्व आनंद से भर उठेगा। एक बार इस परम आनंद की अनुभूति होने पर तुम्हारे व्यक्तित्व में जो चमक आएगी, उसे अनुभव करने के बाद तुम किसी और साधन में सुख की तलाश नहीं करोगे, क्योंकि तुम खुद को पहचान कर परम संतोषी जीवन जीने लगोगे। आपकी बातें एकदम सही हैं भगवान। मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपने जीवन की संतुष्टि के लिए भौतिक साधनों और दूसरे लोगों में सुख की खोज करता रहा। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा मन असल में चाहता क्या है। अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ चुका हूं। असली सुख हमारे मन में ही होता है, जो हमें परम संतुष्टि का अनुभव करवाता है। अपने उद्देश्य को पा लेना, करियर में अच्छा मुकाम बना लेना, या किसी से प्रेम हासिल कर लेना, या फिर भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाकर ऐशो आराम का जीवन जी लेना, कभी हमें वो सुख नहीं पहुंचाता जो हमारे मन की परम संतुष्टि की अवस्था में हमें मिलता है। आपकी इन्हीं ज्ञान की बातों को सुनकर मुझे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि मैं अब तक कितनी गलत धारणाएं लेकर सुख की तलाश कर रहा था। असली सुख भौतिक साधनों में नहीं, मन की शांति में है। बस ये एक बात समझने में मुझे इतना समय लग गया, अब मेरा हर प्रयास भौतिक सुख को जुटाने में नहीं, बल्कि अपनी मन की शांति को खोजने के लिए होगा। विशाल की तरह हम सब भी कितनी बार अपनी खुशियां, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं और अपनी सफलता या असफलता पर छोड़ देते हैं, मगर उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम सभी उस परमात्मा का ही अंश हैं, जो सबको आत्मिक सुख प्रदान करता है। इसीलिए यदि हम बाहरी तत्वों में सुख को ना खोजकर अपने अंदर झांकते हुए अपने विकारों का त्याग करने के बाद अपने मन की शांति को खोजेंगे तो अवश्य ही हमें परम सुख का अनुभव होगा।